मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को भी गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, अब मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत के मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा सो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजवीर देसवाल
और आज आप समझ ही गए होंगे कि एक गीत से मैंने शुरुआत की और ये गीत किसी और का नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ फिल्म मेरे महबूब से था। और आज की ख़ास वजह मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए आज गीत गाने की वो ये कि आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था 1990 में। और रफ़ी साहब एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो पूरे बर्र सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ही नहीं, हिंदुस्तानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं, बल्कि पूरे विश्व में यदि मैं कहूँ तो कोई अतिशोक्ति ना होगी कि उन जैसा गायक न कोई हुआ है। और मुझे नहीं लगता आगे आने वाले सदियों तक भी कोई ऐसी आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। और सही कहा है मोहम्मद रफ़ी, तू बहुत याद आया, आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था। और ये ख़बर जब बॉलीवुड में फैली तो मैसिव हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी और बहुत ही एक गम की लहर जो है वो दौड़ गई, फैल गई। और ये शख्स जो 1924 में मजीठा आज के दिन जो है उसके पास कोटला सुल्तानपुर गांव में ये शख्स पैदा हुए, और जो जो शुरुआती तरबियत है, जो शुरुआती ट्रेनिंग उनकी म्यूज़िक की रही, वो उस ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन चूंकि मोहम्मद रफ़ी एक गरीब परिवार से आते थे और वो अक्सर एक फ़कीर को गलियों में गाते और ऊंची ऊंची आवाज़ में सुना करते थे, और उसी फ़कीर की उन्होंने नकल उतारनी शुरू करी और उसी फ़कीर से प्रेरणा लेके रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। और फॉर्चुनेटली वो बहुत थोड़ी सी उम्र में ही जो है वो नोटिस हो गए, और उन्होंने सबसे पहला गीत जो है 13 बरस की उम्र में जो है वो लाहौर में प्रस्तुति उसकी दी थी। और केएल सहगल उस प्रोग्राम में मौजूद रहे थे और उन्होंने उस वक्त ये प्रेडिक्शन की थी रफ़ी साहब के बारे में, ही हैड प्रोफेसीज़ अबाउट रफ़ी साहब दैट वन यू नो देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस बॉय विल शाइन लाइक अ सन इन द ओपन स्काइज ऑफ म्यूजिक एंड मौसीकी। और वही हुआ, जब मोहम्मद रफ़ी साहब को उस्ताद अब्दुल वाही खान और पंडित जीवन लाल मंटू और एक और शख्स थे फिरोज़ निज़ामी, उनका उनकी शागिर्दगी करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हालांकि उनकी शादी हो गई थी छोटी उम्र में, और उनकी पत्नी जो थी वो कोटला सुल्तानपुर से इधर मुंबई नहीं आई, और चूंकि उनके माँ बाप को पार्टीशन के कत्लोगारत में मार दिया गया था, सो इस तरह से जब यहाँ मुंबई मोहम्मद रफ़ी साहब आ गए तो बिल्किस बानो से उनकी शादी हुई और उनके तकरीबन 4 लड़के और 3 लड़कियाँ उनसे पैदा हुए। और 1944 में उन्होंने अपना पहला गीत जो है वो रिकॉर्ड कराया, और कोई 5-7 साल तक लगातार उन्होंने पंजाबी फिल्में जितने भी आप इमेजिन कीजिए कि 1940 से पंजाबी फिल्मों की बनाना प्रोडक्शन शुरू है, तो काफ़ी रिच इंडस्ट्री है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी, और उसमें रफ़ी साहब ने गीत देना शुरू किए थे शुरू शुरू में पंजाबी, वो बोलते भी पंजाबी ही थे अपनी आम फहम जो भाषा होती है बोलने की। रफ़ी साहब जो है वो फीकू के नाम से जाने जाया करते थे बचपन में, और बड़ा सुंदर गाते थे ज़ाहिर है। तो जब मुंबई आ गए तो उनकी पहली रिकॉर्डिंग जो है वो नेहरू जी जब महात्मा गांधी गुजरे तो उनके लिए उन्होंने एक गीत गाया था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, 1948 में ये गीत गाया था। और उसके बाद फिर मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो चल निकले और देर वॉज़ नो लुकिंग बैक। और कितने ही कितने मशहूर
संगीतकारों के साथ उन्होंने, म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने गीत गाए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बयान कर दूँ जो रफ़ी साहब की, मैं इस आज के टॉक सेशन में मेरे ख्याल में मैं कोई अपनी नज़्म या अंग्रेज़ी की पोएम या कोई गज़ल नहीं सुनाने वाला हूँ और कुछ बात शायद नहीं करूँगा। ओनली दिस टॉक शो, दिस सेशन इज़ डेडिकेटेड ओनली टू मोहम्मद रफ़ी साहब। और मोहम्मद रफ़ी साहब एक बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे, बहुत ही सादगी से रहना उन्हें पसंद था। और उनको मलाल सारी उम्र ये रहा कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, और पढ़ लिख ना पाने का उनका एक और, जैसे कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो है वो थोड़ा चालाक हो जाता है, तो जो ईमानदारी थी एक शख्सियत की, जो एक डिपोर्टमेंट की, जो एक टेम्परामेंट की, वो ईमानदारी और एक ह्यूमेन एटीट्यूड लाइफ का, वो रफ़ी साहब में हमेशा रहा। और वो एक स्टूडेंट की तरह जो है वो मौसीकी की, म्यूज़िक की जो है वो सेवा करते रहे, और उनके दिलो दिमाग पे कहीं भी ये नहीं था कि तू बहुत बड़ा गायक है। और वो हमेशा जो है वो, मैंने ये भी सुना है कि मोहम्मद रफ़ी जहाँ खुद बहुत अच्छे गायक थे, वो हमेशा मन्ना डे को सुना करते थे। और मन्ना डे को इसलिए सुना करते थे क्योंकि क्लासिकी मौसीकी में जितनी पकड़ मन्ना डे साहब की थी, उतनी शायद रफ़ी साहब अपनी नहीं समझते थे। वैसे तो इनकी एक कवाली है बड़ी मशहूर, अब जाँ बलब है ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ये कवाली है बहुत ही खूबसूरत मन्ना डे और रफ़ी साहब की। इनफैक्ट इनकी कई कवालियाँ हैं, बहुत सी विधाओं में रफ़ी साहब ने जो है वो गाने गाए हैं। एंड हिज वॉज अ नेचुरल वॉइस, नेचुरल वॉइस इन द सेंस दैट इट कुड बी लिप सिंक्ड फॉर एनी वन इन द स्ट्रीट, यू नो, वुड फाइंड सम काइंड ऑफ natural affinity and some kind of a natural identification with the voice of Rafi sahab. Aur yahi reason tha ke jitni unhone playback singing ki aur jitni bhi unhone jis bhi mood ke jo hai wo geet gaaye, wo sabhi ek se ek badhke, sabhi ek se ek badhke jo hai wo apne aap mein bahut khoobsurat geet hote chale gaye। रफ़ी साहब का मैंने जैसे बताया कि वो हर विधा में पारंगत होना चाहते थे, होते थे असल में। और यदि भजन ले लीजिए तो भजनों में रफ़ी साहब का गाने में, हालांकि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और कितने ही गीत जो है वो, कितने ही भजन रफ़ी साहब ने ऐसे गाए, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, और कितने ही कोहिनूर के और बहुत सी फिल्मों के जो है वो गीत, बैजू बावरा के गीत जो है वो, इतने सभी गीत, करीबन 25,000-26,000 का उनका रिकॉर्ड है। और उनकी और लता जी की एक बार तो खिंच गई थी, इसी दो तीन इश्यूज़ पे उनको लता जी से क्षोभ रहा और लता जी से उनकी जो है वो नहीं बन पाई। एक तो रॉयल्टी का इशू था कि रॉयल्टी पे गायक का हक है कि नहीं है, लता जी का कुछ और स्टैंड था, सलील चौधरी ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन इधर रफ़ी साहब का अपना स्टैंड था। एक बार कहते हैं लता जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई थी, तो रफ़ी साहब ने उनको कहा कि नहीं, ज़्यादा गाने तो मेरे हैं। और करीब 26,000 गानों का जिक्र हुआ था, उनके फैंस जो हैं वो यही बताते हैं। उनके जैसे उनको किसी संगीतकार से काम करने में या किसी साथी गायक गायिका से गीत गाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन लता मंगेशकर के साथ उनकी कुछ सालों तक बिगड़ी रही। और उस ज़माने में किशोर कुमार और लता ज़्यादा गाया करते थे, और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के जो है वो गीत बहुत ज़्यादा चला करते थे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, भजनों को छोड़ दीजिए, कव्वालियों में रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं। और गज़ल की बारीकियाँ, फाइनर न्यूएंसेस ऑफ गज़ल सिंगिंग, इनफैक्ट फाइनर न्यूएंसेस तो उनके हर कृति में, हर कॉम्पोजिशन में देखने सुनने को मिलते हैं।
एक गीत था गाइड का, उसके कोई बहुत ही ज़्यादा यू नो न्यूमरस टाइम्स इट वॉज यू नो रिहर्स्ड, लेकिन जब तक एक शब्द जो है वो तेरी याद ना जाए, याद को जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब अपने ही स्टाइल में इमोट नहीं कर पाए, दिन ढल जाए तेरी याद ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, वो जो याद सताए वो उसको अपने ही ढंग से कहना चाहते थे, और जब तक वो असर वो अपनी गायकी में नहीं लेके आए, ये गाना उन्होंने फाइनल रिकॉर्डिंग इसकी जो है वो नहीं की। सो जैसा मैंने कहा कि भजन कह लीजिए, गज़ल कह लीजिए, कव्वाली कह लीजिए, और तो और जो ऐसे गाने हुआ करते थे जन्मदिन पे गाए जाते हैं आज तक भी, हम भी अगर बच्चे होते तो नाम हमारा होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलते लड्डू, और कितने ही गीत, और तो और जो जो जैसे मैंने बताया कि एक फ़कीर गाया करता था, उसको ये कॉपी किया करते थे, इमिटेट किया करते थे, वैसे ही एक गाना था मेरे ख्याल में औलाद फिल्म का था, औलाद वालों फूलो फूलो कर दे गर मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। यानी रफ़ी साहब जब इस बात पे आते थे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए उनके हिसाब से गायकी में, वैसे तो बहुत सादा दिल इंसान थे, कभी ही नेवर यूज्ड टू इम्पोज हिज पर्सनैलिटी ऑन एनी वन। हालांकि एस डी बर्मन ने शायद एक बार तलत महमूद को सिगरेट पीते देख लिया था, और इसी वजह से उन्होंने पूरी फिल्म जो थी एक उसमें रफ़ी साहब को रिप्लेस कर दिया। और सो इस तरह की तुनक मिजाजी जो है वो रफ़ी साहब में ज़्यादा नहीं देखने को मिलती थी, बहुत ही सादा दिल इंसान थे, बहुत ही सिंपल मैनर्स के थे, कहीं भी पहुंच जाने में कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी। कहते हैं एक बार अमिताभ बच्चन का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनका कहीं सिलीगुड़ी में या दार्जिलिंग उस साइड में कहीं सिक्किम में कहीं कोई प्रोग्राम था, और पहले दिन रफ़ी साहब का प्रोग्राम था, उन लोगों ने आयोजित किया हुआ था अमिताभ जी ने और लोगों के साथ, तो ये अपना प्रोग्राम करके वापस जहाज़ में जैसे वापस दिल्ली या मुंबई आने की तैयारी में थे, तो उनको पता लगा कि अगले रोज़ जो गायक आने वाले थे वो नहीं आएंगे, और अमिताभ कहते हैं हम लोग जो हैं गाड़ियाँ लेके तुरंत एयरपोर्ट की तरफ गए, और हमने ATS वगैरह से परमिशन लेके जहाज़ में बैठे हुए रफ़ी साहब को कहते हैं दो सेकंड के लिए हमें बात करने दीजिए, उन्हें बात करने दी गई, और दो सेकंड में ही रफ़ी साहब जो है वो वापस उतर के अगले दिन की परफॉर्मेंसेस दे के, मीन्स ही नेवर टॉक्ड थ्रू हिज हेड, ही नेवर वॉज अ पर्सन हु वुड थ्रो हिज वेट अराउंड। हालांकि उनका कद बहुत ऊंचा था, और गायकी में जो मैं तो बजाते खुद ये समझता हूँ कि जितना मैं समझता हूँ मुकाम दिलीप साहब का फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म एक्टिंग में, बॉलीवुड में है, उतना ही वैसा ही मुकाम जो है वो रफ़ी साहब का जो है वो गायकी में है। और आप ये देखिए कि मैं देख लूँ ज़रा कौन कौन लोग आ गए हैं, मैं लेट मी थैंक एवरीवन अराउंड, निमी शर्मा जी, नीतू सिंह, बलजीत विर्क बहन जी, शालिनी कश्यप, सुशील लांबा एंड बबली, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी, उषा पांडे जी, और साहिल वैद, सुभाष कपूर ऑफ लेट हैज जॉइंड, प्रिंसिपल साहब कहते हैं रफ़ी जी वॉज एजुकेटेड इन स्कूल ऑफ लाइफ, हिज टैलेंट इज़ इक्वल टू एकेडमिक्स, थैंक्स फॉर गिविंग ट्रिब्यूट टू रफ़ी जी। ये सर आज तो उनका जो है वो आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था, इसलिए मैंने समझा कि शायद आज का दिन मैं पूरा अगर रफ़ी साहब पे ही डेडिकेट करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तकरीबन 2006 में मैं एक बार मुंबई हम लोग गए थे, और वहाँ एक दो तीन रोज़ के लिए JW मैरियट होटल में रुके थे, और वहाँ बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उसमें रफ़ी साहब के साहबजादे शाहिद भी थे। आज के फेसबुक पेज पे मैंने शाहिद के साथ अपनी तस्वीर भी एक लगा रखी है, और
उस उनसे अगर उनकी बातें सुनो शाहिद से, तो शाहिद बताते हैं कि रफ़ी साहब जो थे वो ही वॉज़ ए फूडी, वो बहुत खाने के बड़े शौकीन थे और वो अचार वगैरह भी बहुत खाते थे कहते हैं, किसी तरह का भी, हालांकि उनके गले को कहते हैं सूट नहीं करता था। और एक गीत था, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, वो गाते गाते कहते हैं रफ़ी साहब के गले से खून भी आ गया था। लेकिन जब वो उस रेंज में पहुँचे और वहाँ उन्होंने किसी तरह भी कोई खराश अपने गले में नहीं आने दी और अपने जो रेंडरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग थी वो उन्होंने पूरी करियर, आज के दिन भी वो एक सॉन्ग ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग गिना जाता है जिसमें जो रेंज की अगर बात की जाए तो रफ़ी साहब की जो रेंज है वो उस गीत में पता लगती है कि कितनी ज़्यादा उनकी रेंज थी। सो रफ़ी साहब के बारे में जो है, अगर मैं ये कहूँ कि रफ़ी साहब का एक ही हैड ए नैक फॉर लाइकनिंग एंड मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस विद नोटेशंस एंड यू नो रोप्ड इन इफेक्ट, कि वो हर व्यक्ति से, हर एक्टर से अपनी जो है वो आवाज़ मिलाने की कोशिश किया करते थे। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि शम्मी कपूर पे तो उन्होंने इतना ज़ोर लगाया है, मुझे लगता है कि जितने भी खूबसूरत एक से एक गाने हैं, एक तो शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी साहब की कॉम्बिनेशन कॉम्बो जो है उनकी जुगलबंदी के हैं, और मोहम्मद रफ़ी ने जितना आत्मीयता के साथ रफ़ी साहब शम्मी कपूर के लिए गाए, चाहे तारीफ़ करूँ क्या इसकी, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पे, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, और बदतमीज़ कहो या कहो जानवर मेरा दिल तुम पे फिदा हो गया, और कश्मीर की कली के जितने भी सॉन्ग्स थे, और ब्रह्मचारी के तुम गाओ मैं सो जाऊं, और दिल के झरोके में तुझको बिठा, आई कैन गो ऑन यू नो काउंटिंग रफ़ी नंबर्स संग फॉर शम्मी कपूर। कहते हैं एक बार शम्मी कपूर जो है वो गीत रिकॉर्ड होना था, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, इवनिंग इन पेरिस का था, तो शम्मी कपूर वॉज़ बिजी एल्सवेयर समवेयर व्हेन रफ़ी हैड टू सिंग रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, और शम्मी कपूर अवेलेबल नहीं थे। जनरली वो जो है रिकॉर्डिंग से पहले पूछा करते थे कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ, और काफ़ी हद तक कोशिश ही रहती थी कि ये एक्टर लोग भी वही मौजूद रहते थे, और उनका जो प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से इमोट करते थे, वो चीज़ें रफ़ी साहब वो अपनी गायकी में लेके आया करते थे। जब शम्मी कपूर नहीं थे उस दिन तो रिकॉर्डिंग हुई, और आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने ये गीत रिकॉर्ड हुआ। शम्मी साहब ने बाद में कहते हैं रफ़ी साहब को ये पूछा कि रफ़ी साहब आपने जो है वो मेरे गैर मौजूदगी में गीत गाया, लेकिन इतना गज़ब का जो है वो आपने ऐसे ही गा दिया जैसे मैं गाता हूँ या मेरा जो स्टाइल है। तो रफ़ी साहब कहने लगे कि जब मुझे बताया गया कि शम्मी कपूर के लिए गाना है तो मैंने सोच लिया था कि वो गाते वक्त एक हाथ इधर फेंकेगा एक हाथ उधर फेंकेगा और गाएगा आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक, और इसी तरह के झटके वटके लगा के उन्होंने शम्मी कपूर के लिए वो गीत, वो एक और गीत है कश्मीर की कली का, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ, वो उसको बार बार जैसे इस तरह से बोलते हैं, तो शम्मी कपूर का वही स्टाइल। और कहते हैं शम्मी कपूर, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि शम्मी कपूर हैड ए गुरु जी इन वृंदावन, और जब गुरु जी उनके हिमालय से उतर के वृंदावन कायम करने के लिए आते थे तो रफ़ी साहब का उसी बरस उसी दिन जो है वो इंतकाल हो गया जब शम्मी कपूर अपनी वाइफ के साथ वृंदावन में किसी रिक्शा में, क्योंकि वहाँ गलियाँ बहुत पतली पतली छोटी छोटी हैं, वहाँ रिक्शा में ही चलते हैं, तो किसी ने पीछे से आके उनको टोका कि शम्मी साहब आपकी तो आवाज़ चली गई, और शम्मी कपूर ने कहा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ भाई, मेरी तो क्यों आवाज़ चली गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। और शम्मी कपूर ये कहते हैं कि मुझे ये सारी उम्र मलाल रहेगा कि मैं उस शख्स के आखिरी समय में, मैं उस शख्स के आखिरी टाइम में
मैं उस शख्स के उन आखिरी लम्हों में जबकि उनकी फ्यूनरल होना था तब मैं वहाँ नहीं मौजूद हो सका। सो शम्मी कपूर के लिए इतने गीत गाए और मुझे जितेंद्र का भी एक वाक्या याद है। इनफैक्ट मोहम्मद रफ़ी ने बहुत ही लोगों को, सोनू निगम को ले लीजिए, जितने भी नए नए गायक हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी दी और ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने रफ़ी साहब का स्टाइल भी पकड़ा और उनसे सीखा भी बहुत कुछ। लेकिन यदि कोई एक और शख्स हैं जो जिनको फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब लेके आए और वो जो है वो, माफ़ कीजिए एक मिनट, वो महेंद्र कपूर थे। महेंद्र कपूर को उन्होंने फिल्में दिलवाई, गाने दिलवाए और महेंद्र कपूर एक किस्म से उनकी फाइंड थे, उनकी जो है वो खोज थे। सो जितेंद्र के लिए एक गीत था मेरे हुजूर फिल्म में और ये गीत था वो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। और आखिर में जब वो रेंज की सवाल आता है तो बहुत ऊंचे जाने से थोड़ा सा एक स्टेप पहले रफ़ी साहब जो है रुक गए। हालांकि संगीतकार जो थे वो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की ही कंपोजिशन बंदिश तैयार की थी, लेकिन रफ़ी साहब उससे भी और ऊपर ऊंचा जा सकते थे। उनसे बाद में पूछा गया कि साहब आप जो है वो एक स्टेप और ऊपर जा सकते थे, आपकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है। जब बाद में वो अलाप वो लेते हैं कि गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊँगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊँगा, तो रफ़ी साहब भला ये भला क्या कहते हैं मालूम? उसमें रफ़ी साहब ने ये कहा कि जितेंद्र जिसकी आवाज़ एक एक वाक्य एक सेंटेंस बोलने में फट जाती है वो इतने सुर में कैसे गाएगा, कैसे लोगों को यकीन आएगा, इसलिए मैंने कहते हैं वहीं पे ये अपना गाना जो है वो रोक दिया था। जितेंद्र की उनकी बड़ी जितेंद्र ने भी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि कहा कि रफ़ी साहब जो है वो इतने ईमानदार और इतने बढ़िया इंसान थे कि एक बार कहते हैं जितेंद्र ने कुछ जैसे इसकी इनकी बेटी जो है वो आजकल बालाजी फिल्म्स के टाइटल से बैनर तले फिल्में बनाती हैं और जो सीरियल्स वगैरह बनाती हैं, तो जितेंद्र ने भी कुछ फिल्में जो है ना वो बनाई हैं और उनके हाउस प्रोडक्शन थी। तो कहते हैं जब एक समय ऐसा आ गया था जब मोहम्मद रफ़ी साहब थोड़ा सा लो ग्राफ आ गया था उनके करियर का टुवर्ड्स द एंड, और किशोर कुमार को बहुत ज़्यादा गीत मिलते थे और किशोर कुमार साहब जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सफल हो गए थे उन दिनों, और रफ़ी साहब से थोड़ा कम गीत जो है वो गवाए जाया करते थे, स्पेशली अर्ली 70s से लेके लेट 70s तक किशोर कुमार का वर्चस्व रहा। सो एक फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग होनी थी जिसमें किशोर कुमार से भी गीत गवाया गया और रफ़ी साहब से भी गीत गवाया गया, तो जो अकाउंट्स मैनेजर था कहते हैं जितेंद्र के अपने जबान मुँह जबानी कही हुई ये बात है कि जैसे ही उन्होंने उसने अकाउंटेंट ने पूछा कि साहब रफ़ी साहब को क्या पेमेंट करनी है, तो किशोर कुमार ने कहा कि जितेंद्र ने कहा कि वही जितनी किशोर साहब को की है, किशोर दा को की है। कहते जी कितनी? 20,000। कहते हैं हाँ किशोर दा तो 20,000 ही लेते हैं, उन ज़माने में 20,000 बहुत रकम हुआ करती थी। सो लेकिन रफ़ी साहब 4,000 रुपये के करीब लिया करते थे। वो लिफाफे दो बनाए गए, एक किशोर दा के यहाँ पहुँचवा दिया गया और एक लिफाफा जो है वो रफ़ी साहब के यहाँ पहुँचवा दिया गया। रफ़ी साहब ने जब खोल के देखा तो उसमें 20,000 रुपया था और उन्होंने जो है वो 4,000 रुपया रख के बाकी की रकम जो थी, बहुत रकम उस ज़माने में हुआ करती थी, वो सारी की सारी जब जितेंद्र के पास आई तो जितेंद्र ने उनको फ़ोन किया, टेलीफोन किया, उस ज़माने में तो लैंडलाइन यही फ़ोन हुआ करते थे। तो कहते हैं कि जितेंद्र याद करके कहते हैं कि मुझे वो पंजाबी में कहने लगे, ओए तू वड्डा पैसे वाला हो गया हैं, वड्डा अमीर हो गया है, तू वड्डा एक्टर हो गया है, तू मैनू मेरा जिन्ना हक बढ़ता मैं ले लिया, तो 16,000 मैं तेरे वापस भेज देने अपना, तू मैं 4,000 में जो है खुश हूँ। सो ही वॉज सच ए नाइस एंड ह्यूमेन यू नो पर्सनैलिटी, जिनकी जितनी तारीफ करी जाए वो थोड़ी है। उसी
उसमें धर्मेंद्र का भी एक रिएक्शन मुझे मालूम है। धर्मेंद्र के लिए उन्होंने बहुत से गीत गाए, बहुत ही ज़्यादा, आई मिलन की मेला से शुरू होकर, और बहुत ही फिल्मों में धर्मेंद्र के लिए गीत गाए। लेकिन जो धर्मेंद्र कहते हैं मेरे लिए सबसे पहला गीत रफ़ी साहब ने गाया था वो था जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में राख के ढेर में, शोला है ना चिंगारी है। रफ़ी कहते हैं, धर्मेंद्र कहते हैं कि मैंने ये देखा कि रफ़ी साहब ने मेरी आवाज़ के मुताबिक उसको ढाल लिया था उस गीत को। और जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, हालांकि रफ़ी साहब राजेंद्र कुमार के लिए गाते थे, दिलीप कुमार के लिए गाते थे, मनोज कुमार के लिए गाते थे, और विश्वजीत के लिए गाते थे, जॉय मुखर्जी के लिए गाया करते थे, और जितने भी एक्टर उस जमाने के, दिलीप साहब से लेके, देवानंद से लेके, और राज कपूर के लिए उन्होंने अलबत्ता कम गीत गाए, मुकेश की आवाज़ ज़्यादा सूट करती थी राज कपूर को। लेकिन बहुत से गीतों में, रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, कई गीतों में राज कपूर साहब ने भी उनकी आवाज़ को कई फिल्मों में इस्तेमाल किया। लेकिन क्लासिकल अगर कोई उनकी जो नकल का गीत है वो जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर के जितने भी गीत हैं वो उसी तरह से आवाज़ की लचक जो है वो सर जो तेरा चकराए, ये दिल या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, चंपी उसी तरह से चंपी करना, और एक और जितने भी जॉनी वॉकर के ऊपर फिल्माए गए गीत हैं रफ़ी साहब के ख़ास तौर पे गाए गए, उनमें बहुत ही ज़्यादा एक किस्म की अजीब सी जो है वो आइडेंटिफिकेशन सिमिलैरिटी मिलती हैं। और एक और गीत था उसका, था फिल्म का मुझे याद नहीं आ रहा है, दिलीप कुमार मधुमती का एक गीत था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम जो थोड़ी सी पी के ज़रा झूमे तो सब ने देखा। इट वॉज़ अ मार्वलस लिपसिंग एंड यू नो बैकग्राउंड, यू नो प्लेबैक सिंगिंग फॉर जॉनी वॉकर। और जॉनी वॉकर का तो वो जैसे हर अदा, हर लचक को वो जो है वो इमोट किया करते थे, कॉपी किया करते थे। लेटली काफ़ी अरसा बाद ऋषि कपूर के लिए भी उन्होंने गीत गाए, लैला मजनू उनकी पहली दूसरी फिल्म थी शायद, दूसरी या तीसरी लैला मजनू ऋषि कपूर के लिए, और ऋषि कपूर के लिए गीत गाए उन्होंने। तो जब स्टूडियो में कई बार मिला करते थे तो ऋषि कपूर भी याद करके उनको कहते हैं कि मुझे भी कई बार जो है वो पंजाबी में ही बोलते थे, वो कहते काकिया तू बड़ा सोहना लगता है मैनू जब तू गीत गाँदा है, जब तू मेरे मैं तेरे गाने गाँदा है तो मैं तेनों वेखना अपना, तो मैंने तो बड़ा चंगा लगता है। हालांकि ही वॉज नॉट मच इन टू फिल्म वॉचिंग एट्सेट्रा, बट ही हैड ए डायरेक्ट कम्यूनियन विद हिज कंटेम्प्रेरीज एंड द एक्टर्स फॉर होम ही सैंग। अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा कुछ एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, जो बढ़िया सॉन्ग्स रफ़ी साहब ने दिए, और उसके बाद एक और मैंने आज की शुरुआत जो है गाने के साथ रफ़ी साहब के गीत के साथ की थी, और आखिरी गीत भी, आखिरी मैं पेशकश भी आज की, आज मैं कोई अपनी गज़लें नज़में नहीं सुना रहा हूँ आपको, पोएम्स नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली रफ़ी साहब से शुरुआत की है, रफ़ी साहब से ही आज की इस सेशन का अंत करूँगा। एक गीत आपको सुनाऊँगा जो आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन यू विल लाइक दैट नंबर। बिफोर दैट लेट मी टेल यू के बैजू बावरा के लिए जैसे गीत गाए, और नौशाद साहब का तो इतना गज़ब का तालमेल था रफ़ी साहब के साथ, जैसे उनको पता था कि रफ़ी यहाँ तक की रेंज है, रफ़ी इसको इस तरह से मॉड्यूलेट कर लेंगे, रफ़ी इसको इतनी कड़ी बंदिश को भी जो है वो निभा देंगे। और उसके बाद अगर एस डी बर्मन की बात करूँ तो एस डी बर्मन ने भी रफ़ी साहब से वो गीत गवाए हैं, प्यासा के जितने भी गीत हैं, हमें जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, और मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, कहाँ की है तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। और एक और गीत जो है जो बहुत सभी जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए, जैसे शंकर जयकिशन के गीत अगर देखिए रफ़ी साहब के, तो तौबा तौबा इतने खूबसूरत गीत हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आज के दिन भी
आज के दिन भी जहाँ शादियाँ होती हैं तो जैसे ही दूल्हा मियाँ आते हैं या बारात आती है तो ट्यून आज भी यही बजती है और गाना यही बजता है। रवि एक और बड़े खूबसूरत बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं, उनके लिए भी उन्होंने जो है वो चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, और मदन मोहन का और मोहम्मद रफ़ी का इतना गज़ब का तालमेल बैठता था, और जितनी भी एक से एक बढ़ के गज़लें मदन मोहन जी ने गवाई हैं वो सारी की सारी मोहम्मद रफ़ी साहब की गाई हुई हैं, और एक से एक गीत मदन मोहन, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। और मदन मोहन की एक और खासियत हुआ करती थी कि एक अंतरे से दूसरा अंतरा वो डिफरेंट किया करते थे, और दूसरे से तीसरा अगर है तो वो भी डिफरेंट किया करते थे। वो नहीं था कि एक ट्यून एक अंतरे की है तो दूसरी ट्यून उसी अंतरे में दूसरी ट्यून है, तीसरे में वही ट्यून है, नो। वो इतना इम्प्रोवाइज करते थे, इतना इम्प्रूव किया करते थे अपने म्यूज़िक डायरेक्शन को कि अलग अलग तरह तरह के। और यही जो गीत है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, उसमें चार अंतरे हैं और चारों ही अलग अलग तरह से जो है वो म्यूज़िकली कंपोज्ड हैं। सो जैसे मैंने कहा, मदन मोहन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ को पूरा एक्सप्लॉयट किया, और ख़याम ने भी इसी तरह से पूरा एक्सप्लॉयट किया। और ख़याम की तो आदत ये थी कि जब मोहम्मद रफ़ी गाते थे तो वो साज़ों को बहुत ज़्यादा कम कर लिया करते थे, कि जो आवाज़ में कशिश लर्जिश थी रफ़ी साहब की, जो वेलवेटी एक टच था जो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल रूहानी किस्म का एक एक्सपीरियंस एक एहसास दिया करता था, उसको एक्सप्लॉयट किया जाए। और एक और गीत है दस्तक फिल्म का है शायद, कि तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की 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 हल्की, वो जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट पैदा करने का बूता था वो केवल रफ़ी साहब में था। मैं बात कर रहा था मदन मोहन की, तो हंसते जख्म का एक गीत है, वो आज तक कोई जो मोहम्मद रफ़ी को गाने वाले आदमी हैं वो उनसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया, उस गीत की जो इतनी कठिन बंदिश है, इतनी कठिन कॉम्पोजिशन है ये, कि बहुत ही ज़्यादा जिसमें आपको जो है ना वो एक वैरायटी देखने को मिलती है। और ओपी नैयर साहब के लिए उन्होंने जो है वो तुमसा नहीं देखा, और तारीफ़ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी उन्होंने गाया, बहुत प्यारे प्यारे गीत दिए, पारसमणि फिल्म के गीत दिए, और दोस्ती फिल्म तो चली ही रफ़ी साहब के गीतों की वजह से थी। चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे फिर भी तेरे नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा, और बहुत सारे गीत ऐसे थे कि जिसमें रफ़ी साहब जो है वो अपना बेस्ट देते थे। कल्याण जी आनंद जी के लिए भी उन्होंने हसीना मान जाएगी, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार से आशिक, और ये सारी बातें जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशन थे रफ़ी साहब, अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे कि जो जहाँ से जिस हम्बल बिगनिंग से ये शख्स शुरू हुए थे और कहाँ ऊंचाइयों तक ये पहुँच गए, लेकिन उनकी सादगी हमेशा उनके साथ रही, उन्होंने अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी, और उन्होंने अपना वो जज्बा कभी नहीं छोड़ा कि वो मौसीकी में और ज़्यादा महारत हासिल करें, और ज़्यादा फाइन ट्यून अपने आप को करें, और ज़्यादा होनिंग करें, और ज़्यादा अपने अंदर शार्पनेस और पैनापन एक ऐसा लेके आएँ कि जिसमें उन्हें लगे कि ये परफेक्शन की तरफ जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि इसीलिए वो मन्ना डे साहब के जो है वो गीत सुना करते थे। सो लेट मी बिफोर आई वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे, लेट मी सी हु ऑल हैव जॉइंड इन लेटली। सुभाष कपूर जी, विपिन चौधरी, यू आर देयर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। रोजी चोपड़ा हैज जॉइंड, एंड प्रिंसिपल साहब कहते हैं जाने क्या ढूंढती रहती आंखें, रियल गुड सॉन्ग, ग्रेट रेंडिशन। रविंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन किया है, थैंक यू जी। और अभी जैसे मैंने आपको वादा किया था वो गीत मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा।
और उसके बाद उस गीत के साथ ही मैं अपनी आज का टॉक शो ख़त्म करूंगा। मुझे इजाज़त देंगे आपको, मुझे लगा लगे आपको कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। और लेट मी वंस अगेन गिव यू अनदर सॉन्ग। हेलो 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 हेलो। ये गीत जो है ये किसी फिल्म में अनफॉर्चुनेटली ये गीत नहीं आया था, लेकिन जैसा मदन मोहन उनके गुजरने के बाद उनके बेटे ने कुछ एक रिकॉर्डिंग्स थी जो कंपोजिशंस थी मदन मोहन साहब की जो उपलब्ध कराई थी बाद में भी, और उसके ऊपर बहुत सारे जैसे गीत बने, ख़ास तौर पे वीर ज़ारा फिल्म थी एक, फिर वीर ज़ारा के जितने भी गीत हैं सारे के सारे मदन मोहन कोहली साहब की जो है ना वो कॉम्पोजिशंस हैं जो उस ज़माने में उन्होंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो किसी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई। जो मदन मोहन के बेटे थे उन्होंने, सुरेंद्र कोहली शायद उनका नाम है, उन्होंने ये चीज़ें हम लोगों के लिए मुहैया करवाई। और उनमें ही एक और गीत था, कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर, ये गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। ये किसी फिल्म में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एक फिल्म बनी थी लेकिन वो रीले जो है वो 5-6 महीने के शूटिंग के बाद वो बंद हो गई है। ये गीत जो है वो कभी किसी फिल्म में नहीं आया था, और ये गीत जो है वो अभी मैं आपके आगे पेश करूँगा। आज की सेशन जो है वो मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम से शुरू हो लेके, और बीच में कई सारी बातें रफ़ी साहब को याद करके हमने की, और मैं ये आखिरी पेशकश आज की कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे विदा लूँगा। कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर। पाऊंगा हर शे में कमी तेरे बगैर तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर। थैंक यू वेरी मच। आज आपने सब भूली हुई बातें याद करा दी सुभाष कपूर जी। थैंक यू। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग है। आग लगाए चांदनी तेरे बगैर तेरे बगैर, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर तेरे बगैर। शुक्रिया आप सबका। चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है।
सहती है दिल की धड़कने, तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी, तेरे बगैर तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू हैव बिन वेरी नाइस एंड काइंड टू मी। ये सेशन आप शुरू से भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट सेशंस व्हिच आई फील आई हैव डिलीवर्ड सो फार, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू अपलोड इट इफ आई एम एबल टू सेव इट नाउ। मैं हो सकता है इसको यूट्यूब पे भी बहुत जल्द अपलोड भी करूँगा। और आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना फीडबैक भेज सकते हैं, अभी भी मैं आधा मिनट और आपके साथ हूँ। यदि आपके कोई सवालात हों रफ़ी साहब के बारे में, हों उनकी गायकी के बारे में हों, तो काइंडली शूट योर वॉलीज एंड मुझसे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मैं रफ़ी साहब, दिलीप सोमा साहब, ये कुछ एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल ये गीत गाने वाले या एक्टर या ये लोग नहीं हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एंड यू कैन लर्न अ लॉट। इन फैक्ट दे गिव यू सम काइंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल यू नो इनपुट फॉर योर लाइव्स। सो थैंक यू वेरी मच फोक्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, एंड टिल टुमारो नून टाइम 12 o'clock. Goodbye and have a nice day. Thank you.